हेलो एवरीवन, बजाज फाइनेंस इज द मोस्ट आइकॉनिक कंपनी इन इंडिया इन द कंज्यूमर लेंडिंग स्पेस। बजाज फाइनेंस ने शुरुआत से अभी तक 150,000% के सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दिए हैं। 150,000%। आप सबने अपने नियर बाय इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे नो कॉस्ट ईएमआई का पोस्टर तो देखा ही होगा। जहां भी आप नो कॉस्ट ईएमआई देखते हो वहां आपको बजाज फाइनेंस भी जरूर दिखेगा। बजाज फाइनेंस हैज बिकम सिनोनिमस विद द वर्ड नो कॉस्ट ईएमआई इन इंडिया। गाइस, बजाज फाइनेंस ने इस वर्ड को इतना पॉपुलर और इतना मार्केट कर दिया है दैट पीपल थिंक दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। एंड बजाज फाइनेंस ने पिछले कुछ सालों में फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 साल पहले बजाज फाइनेंस के शेयर पे 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आज उन शेयर्स की वैल्यू 68,02,222 रुपीज होती। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ बजाज फाइनेंस मेक्स मनी, हाउ बजाज फाइनेंस इज इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली, हाउ दे एक्वायर कस्टमर्स एंड व्हाट आर दे प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। सो नाउ लेट्स सी हाउ बजाज फाइनेंस मेक्स मनी। यहाँ पर हम एक DSLR का एग्जाम्पल लेते हैं दैट आई हैव परचेज्ड रिसेंटली फॉर 60,000 रुपीज। सो द प्राइस ऑफ DSLR इज 60,000 रुपीज। अब ये DSLR बजाज फाइनेंस के थ्रू सेल हो रहा है तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर विल गिव सम डिस्काउंट टू बजाज फाइनेंस। सो द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 5%, दैट मेक्स इट 3,000 रुपीज। अब जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं बजाज फाइनेंस के थ्रू तो हमको कुछ डाउन पेमेंट पे करनी होती है। सो इन दिस केस ऑफ DSLR हमने जो डाउन पेमेंट पे किया है वो है 10,000 रुपीज। एंड एज वी नो, जब भी हम बजाज फाइनेंस के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमको 2-3% प्रोसेसिंग फीस पे करनी होती है। So in the case of this DSLR, the processing fees paid was 1500 rupees. Now suppose ये EMI 6 months की है, so the customer has to pay 8333 rupees every month to Bajaj Finance. Now the EMI of 8333 rupees per month makes it around 50,000 rupees. Plus the down payment of 10,000 rupees makes it 60,000 rupees. So Bajaj Finance earned around 4500 rupees in this transaction. 1500 rupees from the processing fees and 3000 rupees from the discount offered by the manufacturer to Bajaj Finance. जो भी प्रोडक्ट हम बजाज फाइनेंस के थ्रू परचेज करते हैं उस पर हमको अप टू 3% प्रोसेसिंग फीस पे करनी होती है। लेकिन ये पता होने के बाद भी पीपल आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन बाइंग थ्रू बजाज फाइनेंस। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। नाउ सी द डिफरेंस। अगर हम यही DSLR जो कि 60,000 रुपीज का है इसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज करते तो ये हमको पड़ता अराउंड 68,000 रुपीज, बिकॉज क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट अराउंड 14-16% होते हैं एंड दैट्स 4 times हायर देन व्हाट बजाज फाइनेंस इज ऑफरिंग, व्हिच इज अ ग्रेट डील। This is how Bajaj Finance creates exceptional value for its customers. Now, let's move on to how big is Bajaj Finance. Bajaj Finance के 50 million से भी ज़्यादा users हैं. Market में जितने भी consumer durable products finance होते हैं, around 70% of them are financed through Bajaj Finance. Even 15% of smartphones and 10% of furniture is sold through Bajaj Finance. That's how big this brand is. Now, we'll talk about Bajaj Finance ये करता कैसे है. बजाज फाइनेंस इन कस्टमर से काफी डेटा कलेक्ट करता है, जैसे लोकेशन ऑफ द कस्टमर, रीपेमेंट हिस्ट्री, कस्टमर कौन से बैंक का यूजर है, कस्टमर की ऑक्यूपेशन क्या है एंड इवन हाउ मच द कस्टमर अर्न्स। बजाज फाइनेंस यूजेस दिस क्रूशियल डेटा टू फिल्टर आउट गुड क्रेडिटवर्थी कस्टमर्स फ्रॉम द बैड वंस। ऑल्सो दिस डेटा हेल्प्स देम टू टारगेट मोर कस्टमर्स एंड शो देम द प्रोडक्ट्स दे वुड लव टू बाय। बजाज फाइनेंस की मार्केट कैप 4.4 trillion rupees है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी इनका कोई नॉन कॉम्पिटिटर नहीं है। Now, let's understand ऐसा कैसे पॉसिबल है। बजाज फाइनेंस अपने बिजनेस में इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको रेप्लिकेट करना इजी नहीं है। इसके 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। फर्स्ट, पैन इंडिया प्रेजेंस। बजाज फाइनेंस ने 2900 सिटीज एंड टाउन्स में मोर देन 1,20,000 स्टोर्स के साथ पार्टनर किया है। इतना ही नहीं, बजाज फाइनेंस की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस इतनी वाइड है दैट दे हैव 2,392 ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। एंड बड़े ब्रांड जैसे सैमसंग, LG, सोनी एक ऐसे फाइनेंशियर के साथ काम करना चाहते हैं जिनकी पैन इंडिया प्रेजेंस हो, सो दैट दे डोंट हैव टू फाइंड डिफरेंट फाइनेंशियर्स इन ईच लोकेशन। सेकंड, सुपर फास्ट लोन डिसबर्सल। ब्रांड्स एंड रिटेलर्स एक ऐसे फाइनेंशियर को प्रेफर करते हैं जो जल्दी से जल्दी लोन्स को अप्रूव करे एंड बजाज फाइनेंस विद द हेल्प ऑफ इट्स हाई एंड टेक्नोलॉजी विद इन 3 minutes लोन अप्रूव कर देता है। बजाज फाइनेंस को पता है कि कौन से कस्टमर को कितना लोन अप्रूव करना है डिपेंडिंग ऑन देयर एज, इनकम, प्रोफेशन एंड लोकेशन। जहां बाकी फाइनेंस कंपनीज को कस्टमर एक्वायर करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस विद इट्स जीनियस स्ट्रेटजी अर्न्स मनी फ्रॉम द कस्टमर इवन इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। इतना ही नहीं, बजाज फाइनेंस अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है एंड फॉर दैट दे आर प्लानिंग वेरी बिग फॉर द फ्यूचर। अभी तक आपको बजाज फाइनेंस के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस करवाना होता था तो वो सिर्फ ऑफलाइन ही पॉसिबल था, बट नाउ बजाज फाइनेंस अपनी सुपर ऐप टेस्ट कर रहा है। इस ऐप के थ्रू आप बजाज फाइनेंस की जो भी सर्विसेज पहले ऑफलाइन यूज करते थे अब आप उनको घर बैठे ऑनलाइन अवेल कर पाएंगे। दे हैव इवन कंप्लीटेड फेज 1 ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन विच आउट ऑफ देयर 1,20,000 मर्चेंट्स 35,000 merchants have already onboarded the platform. And these 35,000 merchants have a catalog of more than 78,000 products, which include smartphones, refrigerators, televisions, and other consumer durable goods. So this is my analysis of Bajaj Finance and also my first YouTube video. Do let me know in the comments if you liked it.
ऐसी और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल।